Wait, the math is a bad example. In this chapter, Van Poet says about that definitely Shakespeare is a weak, and that was a very bad example for children. अब बताने लगता है कि शेक्सपियर जो क्या थे, राइटर्स थे जो हमेशा से स्पेशली रॉयल्स रॉयल्स पर्सन्स इन चीज़ों के लिए वो हमेशा राइट करता था, एज अ किंग एज अ क्वीन इन चीज़ों के लिए राइट्स करते थे. तो उनके अकॉर्डिंग क्या थे, जो वीक जो होता है जिसको पापी बोलते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, शेक्सपियर रियल एक पापी है और उनका जो मैथ था वो एक बैड एग्जाम्पल्स थे. वी सी एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देयर टू steal, because the children, when they will be looked to the seeds and sun and love, so definitely they will be attracting for a steal. As attracting them, it means attract. अब बताने लगते हैं कि जो children होंगे, जैसे वो क्या करेंगे, seeds को देखेंगे, sun को देखेंगे और love के, तो जरूर रूप से वो क्या होंगे, उन चीजों को चोरी करना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो attraction होगा, उनका जो ध्यान होगा वो उन चीजों पर आकर्षित होगा. For lights that slyly turn in their cramped holes. यहाँ पे जो cramped is a very small thin holes. अब बहुत पतला सा होल्स होता है और यहाँ पे जो होल्स मीन्स उनके होम्स को डिफाइन किया गया है. Slyly, it is a secretly. For lights that have a secretly turned in their life, and that was his small home from fog to endless night. That have a never endless of his life. एक अब ऐसे बता रहे हैं जितने भी वहाँ पे children से वो जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, secretly बिना किसी को बताए हुए अपने lives को बदल देते हैं और ऐसे कहाँ चले जाते हैं, शाम होते तक नहीं सोते तक वो वापस अपने उसी घर में उसी छोटे से घर में पहुँच जाते हैं. और जैसे ही रात होता है वो रात वो फॉग क्या होता है कभी भी खत्म होता ही नहीं, मतलब वो अंधकार जो उनके लाइफ्स में है वो कभी भी खत्म नहीं होता. वी ऑन देयर स्लैब ही दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन स्पाइड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील. ऑन देयर स्लैब, स्लैब इज द वीक बिकॉज देयर स्लैग चिल्ड्रन वो बच्चे जो बहुत ज्यादा क्या है वीक है. एंड स्पेशली दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन पिक एंड दे हैव हिज बोन दैट वाज नॉट अ गुड स्ट्रेंथ. एक ऐसे बच्चे जो क्या है उनकी बॉडी में ऐसा लगता है कि मानो वो सिर्फ अपने स्किन को ही पहने हो, मतलब वो वेल्थी या फिर हेल्थ पर्पस नहीं है, इसीलिए वो लगते हैं कि मानो वो उनके बॉडी में सिर्फ स्किन को ही पहने हुए और जिनसे उनका जो बोन्स है वो पीप कर रहा है, झांक रहा है. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स, वो स्टील्स के क्या पहने हुए, स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं. वी मेंटेड ग्लास दैट हैज नॉट अ प्योर ग्लास, जो एक ऐसे स्टील का ग्लास पहना हुआ है, स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं जो बहुत हैवी होता है और हैवी होने के साथ साथ वो क्या होता है, वो एक प्योर ग्लास भी नहीं है, वो मेंटेड से like bottles built on stones. If we will be better bottles on the stone, so what they will be crushed. अब होता क्या है कि हम अगर bottle को क्या करेंगे, किसी भी stones पे तोड़ देंगे, तो जैसे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. वैसे ही यहाँ पे जो glass, उस तरीके से टूटे हुए glass, mended glass क्या हुए थे, जितने भी वहाँ के slum के children थे, वो पहने हुए थे. All their time and space are foggy slum, and those types of children definitely they will be continue spend this time in that foggy slum. हमेशा से वो जितने भी बच्चे थे क्या करते हैं, अपना पूरा समय उस slum में ही spend करते हैं. So brought their maps with slums as big as doom. After that you definitely there will be their maps will be blocked. तो उनके maps को हमको क्या कर देने चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, because they as slum as big as doom. Doom is a dead bodies. तो वहाँ पे बच्चों को रहना, slum में बच्चों के लिए रहना एक बड़े
क्या है, मृत्यु के समान है, मतलब वहां पे यहाँ पे क्या बताया गया है, एस बी एस मीन सिमिली, यहाँ का जो क्या है आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली को बताया गया है कि बच्चे क्या है वहां पे उस लव में रहना उनके लिए एक मृत्यु के समान होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एज द स्टेंजा थर्ड। नाउ लेट्स कम टू द स्टेंजा फोर्थ। इन दिस फोर्थ स्टेंजा पोएट रिक्वेस्ट टू ब्रिंग आउट दिस चिल्ड्रंस आउट ऑफ दैट स्लम। इसमें बताया गया है कि बच्चे से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो उस स्लम से बाहर लाए, अपनी जिंदगी को बाहर लाए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप्स बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज। इफ गवर्नर्स इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स इफ दे विल बी वांट सो डेफिनेटली दैट चिल्ड्रंस विल बिकम आउट दैट विंडोज बिकॉज इन दिस टाइम दे हैव जस्ट पीपिंग ऑन दैट विंडो। अब बताया गया है कि अगर क्या कहते हैं इंस्पेक्टर्स हो, गवर्नर्स हो या फिर जितने भी विजिटर्स हो, अगर वो चाहें तो उनकी जिंदगी क्या हो सकती है, वो विंडो के बाहर भी हो सकते हैं। जो सिर्फ अभी तक विंडो से मैप में ही देख रहे हैं वो क्या हो जाएगी, उनकी जिंदगी बाहर में भी आ सकती है। जो उस विंडो से बाहर वो अपनी जिंदगी को क्या कर रहे थे, झांक रहे, पिक कर रहे हैं, वो उनकी रियल लाइफ बन सकती है। That such upon their lives like catacombs, and after that, here have a catacombs using for underground gallery. It means कब्र। अब बताया गया है कि वो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा से उस विंडोज में ही जैसे कब्र के अंदर रहते हैं उसी तरीके से विंडो के अंदर, अब विंडो के अंदर मतलब उस रूम में जो कि विंडो क्लोज हुआ रहता है तो उसी रूम्स में वो लोग बंद हुए रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि नैरेटर पॉइंट ये बताता है कि अगर गवर्नर्स क्या करे, उनके लिए उन दरवाजों को ओपन कर दो ताकि वो भी क्या कर सके, अपनी जिंदगी को उस कैटाकॉम्स कब्र से बाहर ला सके। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, ब्रेक एंड ओ ब्रेक स्वतंत्र रूप से फ्रीडम करते हुए उनको ओपन कर दो ताकि वो भी क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए और जहाँ पे वो लोग रीच करना चाहते हैं, ब्रेक द डाउन जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच सके। कौन पहुँच सके, चिल्ड्रंस। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। डेफिनेटली इफ यू विल बी रीच टू आउटसाइड सो डेफिनेटली दे विल बी सो ग्रीन फील्ड्स। जैसे बच्चे क्या होंगे बाहर देखेंगे तो उनको ग्रीन फील्ड दिखाई देगा एंड मैक देयर वर्ल्ड और उनको अपनी खुद की जिंदगी बनाने दो, मतलब स्वतंत्र। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ये बता रहा है कि उनको क्या कर दो, आप स्वतंत्र कर दो ताकि वो अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी सके। रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड, एज योर इट मीन्स ब्लू। सो हियर आई हैव अ टेलिंग अबाउट द गोल्ड स्टैंड्स दैट इज द राइट पैथ। अब उनको बताया गया है कि उनको क्या करो, बच्चों को अपनी जिंदगी के लिए अपने जो ब्लू स्टैंड होता है उनको राइट डिसीजंस, राइट जो वे होता है उनको लेने दीजिए। एंड लेट देयर टर्न्स रन मैक इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीफ अपॉन। और यहाँ पे बताया गया है कि उनको अपने क्या करने दो, उनको नेक्स्ट द बुक्स, उन बुक्स को लेने दो, द वाइट जो हम जैसे पढ़ते हैं वाइट बुक्स वैसे उनको भी वाइट बुक्स पढ़ने दो। ग्रीन लीव्स एज अ हियर हैव टेलिंग अबाउट ग्रीन लीव्स इट मीन्स नेचर, और उनको खुले नेचर्स को भी क्या करने दो, पढ़ने दो। मतलब जैसे हम करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम जिस तरीके से क्या करते हैं नेचर के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम वाइट बुक्स को पढ़ते हैं वैसे ही उन स्लम एरिया के चिल्ड्रंस को भी खुले बुक्स को, नेचर को, और जैसे हम वाइट बुक्स को पढ़ते हैं वैसे उनको भी क्या करने दो, स्वतंत्र रूप से पढ़ने दो। हिस्ट्री देयर होस्ट लैंग्वेज इज द सन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हिस्ट्री दोस पर्सन हैव मैट दे विल बी बर्न जस्ट लाइक एज सन। बताया गया है कि हिस्ट्री उसी लैंग्वेजेस का, उसी भाषा का या फिर उसी पर्सन का बनता है जो हमेशा सन के जैसा जलना जानता हो। तो
तो इस तरीके से इस पॉइंट में यही बताया गया है कि सन, अब सन की तरह मतलब जो अपने आप को किसी भी सिचुएशंस पे क्या कर सकता हो, एग्जिस्ट कर सकता हो, तो वही बर्न जैसे जो क्या होता है, सन जैसे बर्न करता है, जलता है, तो उसी पर्सन की ही हिस्ट्री बनती है। आई होप यू अंडरस्टैंड पैराग्राफ एज अ स्टेंजस फोर। नाउ अवर चैप्टर एज सेकेंड पोएट्री एट एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम हैव फिनिश्ड हियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।